मोबाइल से चलने वाला सीलिंग फैन, अरे वाह, रिमोट से चलने वाला सीलिंग फैन। तो दोस्तों, आज मैं आपको संसार का सबसे कम वाट का फ़ैन, जो कि इन्वर्टर पे भी चलता है और साथ ही साथ आपको साल का 1500 रुपये की बचत भी कराएगा, उसकी अनबॉक्सिंग साथ ही साथ फंक्शन के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, रिमोट से चलने वाला सीलिंग फ़ैन आश्चर्य लग रहा होगा आपको, और साथ ही साथ ही मोबाइल से भी चलने वाला है। ये कोई सपना नहीं, हकीकत है, और इस ए आपका वर्ल्ड का सबसे कम वाट का इन्वर्टर पे चलने वाला फ़ैन है। तो फ़ैन का नाम है एटमबर्ग। जी हाँ दोस्तों, मेड इन इंडिया का ये फ़ैन है, और ये सेम आपका फुल साइज़ का फ़ैन है, 1200 mm का, 2+1 3 ईयर की वारंटी है। और यदि और डिटेल की बात करें तो देखिए, सामने ही यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए एटमबर्ग कंपनी है। एटमबर्ग में 1200 mm का एवरी कलर का ये आपका वो है, सीलिंग फ़ैन है। 3690 mm है, और इसकी यदि करंट की बात करें, वोल्टेज की बात करें, तो 140 volt से 285 volt, मेड इन इंडिया आपका ये फ़ैन है। इस साइड की बात करें तो यहाँ पर देखिए, सुपर इफ़िशियंट BLDC मोटर विथ रिमोट कंट्रोल है, आपका विथ रिमोट कंट्रोल ये आपका फ़ैन है। 1500 रुपये पर वर्ष का बचाएंगे, साथ ही साथ 3x लॉन्गर ऑन इन्वर्टर, इन्वर्टर पे भी 3 गुना ज़्यादा चलेगा अन्य फ़ैनों की तुलना में। और बहुत ही अच्छा मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है, और बहुत ही लो वाटेज का एक प्रोडक्ट आपका है, और इसको आप फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं। 2+1 ईयर की वारंटी है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक कस्टमर केयर का नंबर भी दिया हुआ है, और इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद ये देखिए, हमने इसको बाहर निकाल लिया, हमारा ये एटमबर्ग का है, जो कि ये देखिए इसकी मेटल बॉडी पर यहाँ पर एटमबर्ग प्रिंट है, ये देखिए एटमबर्ग, और 1200 mm का फुल साइज़ के आपका फ़ैन है। यहाँ पर देखें, स्टिकर में स्वीप बता रहा है 1200 mm, रेटिंग 240 volt, 50 hertz, 1 phase। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग देखिए, मुंबई की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहाँ पर बारकोड, कुछ सीरियल नंबर वगैरह इसका दिया हुआ है, और यहाँ पर मेटल में ही प्रिंट है, एवरी कलर का है। नीचे आप ये देखिए, यहाँ पर इसके सेंसर्स LEDs वगैरह इसी में इनबिल्ट है। अब इसको हम अभी आपको प्रॉपरली चेक कराएंगे, साथ ही साथ और भी इसके साथ क्या क्या एसेसरीज हैं वो दिखा देते हैं। तो इसको साथ ये देखिए, कैनोपीज 2 पीस मिला हुआ है, कैप टाइप का, जिससे आपका ये कवर होता है, खूबसूरती आती है। 3 ब्लेड्स हैं विथ मेटल टाइप का, 3 ब्लेड्स है। एक रिमोट है, रिमोट देखिए बहुत ही अच्छा रिमोट है, एटमबर्ग प्रिंट है। पावर, बूस्ट और स्पीड का 1, 2, 3, 4, 5, स्लीप का बटन है, साथ ही साथ टाइमर का भी बटन है। तो बहुत सारे फंक्शंस के साथ ये आपका सीलिंग फ़ैन है, जिसको रिमोट से आप कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको चेक कराऊंगा कि ये आपका मोबाइल से भी कंट्रोल होता है। और ये AAA साइज़ की 2 बैटरियों पे ऑपरेट करता है, जो कि कंपनी ने साथ में दिया है। 3 मेटल के ब्लेड हैं, बहुत ही अच्छी कंडीशन में, एवरी कलर का ये हमारा सीलिंग फ़ैन है। तो 3 मेटल के ये आपके ब्लेड्स हैं। अब एसेसरीज में और आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा हैंगिंग का रॉड है, साथ ही साथ ये हैंग करने के क्लैंप्स वगैरह यहाँ पे हैं, नट बोल्ट्स वगैरह हैं। और यहाँ पे देखिए, यूज़र मैनुअल है, दिखा रहा है कांग्रेचुलेशन ऑन आवर परचेज, और हमारा कैटलाग यूज़र मैनुअल है। एटमबर्ग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नवी मुंबई का है, मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं का है, कॉरपोरेट ऑफिस वहीं का है। और इसके अंदर हम दिखा देते हैं क्या है। तो इसमें देखिए, सीलिंग फ़ैन है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल इसके अंदर ये है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसमें देखिए एक मोटर है, 3 एल्युमिनियम ब्लेड्स है, डाउन रॉड है, सॉकेट किट है, कैनोपीज 2 पीस है, रिमोट है, मैनुअल है, वारंटी कार्ड है। इतनी सारे चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, और बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं, मेड इन इंडिया का, अच्छी खासी वारंटी के साथ है। और यहाँ पे पूरा इंस्टॉलेशन का एक एक स्टेप यहाँ बहुत अच्छे से बताया गया है, साथ ही वायरिंग का भी यहाँ पे पूरा दिखाया गया, और रिमोट का सारा फंक्शन भी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे वायरिंग का भी सारा डिटेल दिया गया है।
वायरिंग में देखिए कैसे कनेक्शन करना है और आपको छत से कितनी या नीचे से कितनी हाइट, एटलीस्ट 7 फीट का दिखा रहा है कि आपकी नीचे से ऊपर तक की हाइट होनी चाहिए, जिससे आपका फैन सिर में न टकरा है। वायरिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बेसिक कभी कुछ कंप्लेन आती है कुछ आप, तो उसका कैसे हैंडल ट्रबल शूट करेंगे उसका भी कुछ यहाँ पे समराइज कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ ऊपर आप देखिए कह रहा है कि पावर ऑन ऑफ करने पे क्या रहेगा, एलईडी की क्या स्टेटस रहेगी, फ़ैन क्या करेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखा रहा है। तो पावर से हमारा स्विच ऑन ऑफ होगा, लाइट ब्लिंक करेगी, 1 to 5 स्पीड कंट्रोल है, बूस्ट है, टाइमर है, स्लीप का है, सब में 1 टाइम आपका ब्लिंक करेगा जो आपके फ़ैन में एक सेंसर एलईडी दी हुई है। ट्रबल शूट की बात करें तो नीचे देखिए ट्रबल शूट में ट्रबल शूट भी आपका नीचे दिया हुआ है। और बाकायदे आप इस फंक्शन को, रिमोट के फंक्शन को इजीली यूज कर सकते हैं यदि इंस्ट्रक्शन मैनुअल को एक बार आप पढ़ लेते हैं। तो ट्रबल शूट में यदि फैन डज नॉट स्टार्ट तो क्या करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सलूशन भी दिया हुआ है। और भी कुछ भी यदि प्रॉब्लम आती है तो उसका सलूशन यहाँ भी दिया हुआ है, पीछे भी दिया हुआ है। अब हम आगे वारंटी की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सारे प्रॉब्लम, कुछ जो बेसिक प्रॉब्लम आ जाते हैं उसका सलूशन आप इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एटमबर्ग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का है, मुंबई बनी हुई कंपनी का है। यहाँ पे देखिए वारंटी 2 ईयर का कंपनी ने वारंटी दिया है, 2 ईयर की वारंटी है, जो कि आपके फ्लिपकार्ट के जो इनवाइस है उसी परिमाण्य होगा। उसके अलावा 1 ईयर का ये एक्सटेंडेड वारंटी है, इसके लिए कुछ भी नहीं करना। आपको इस कार्ड में अंदर बारकोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करके कुछ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सारा स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, उसको करने पे आपका 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी है। अब इसको हम इंस्टॉल करके प्रॉपर आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए हमने फ़ैन को हैंग कर दिया प्रॉपरली, सब कुछ ऑन करते ही यहाँ पर लाइट जलती है, लेकिन हम एक बार फिर से आपको लाइट ऑफ़ करके पुनः ऑन करेंगे। तो ये देखिए लाइट हमने ऑफ़ करके फिर से ऑन किया, ऑन करते ही देखिए लाइट जली इसमें। और रिमोट से हम बटन प्रेस करेंगे ऑन का, ये देखिए रिमोट है, रिमोट में पावर बटन है, पावर बटन प्रेस करेंगे और हमारा लास्ट टाइम में फ़ैन जिस पोजीशन पे रहा होगा, जिस स्पीड पे चलता रहा होगा, उतने पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो मीन्स जैसा स्पीड से पता चल रहा है 1 पे हमारा फ़ैन प्रीवियस, पहले कंपनी ने हो सकता है चेक करके इतने कंडीशन में दिया हो, तो 1 पे हमारा चल रहा है। अब ये देखिए हम इसको 5 पर करते हैं, अब 5 पे करने पे देखिए 5 हमने कर दिया बहुत अच्छी स्पीड में। और इसी में बूस्ट बटन है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 पर भी जा सकते हैं। ये देखिए हमने बूस्ट बटन इसमें है, प्रेस करेंगे तो बहुत तेज़ और चलेगा, इससे भी हाई स्पीड, एक एक्स्ट्रा इसमें फीचर दिया है। और दोस्तों ये मात्र 28 वाट का है, जो कि इन्वर्टर पे भी कंफर्टेबल है, इन्वर्टर पर भी कंफर्टेबल है, मात्र 28 वाट का है। अब इसको मैं मोबाइल से कंट्रोल करके आपको दिखा देता हूँ। अब इस फैन को हम अपने इस EMI के रिमोट से कंट्रोल करके दिखाते हैं, लेकिन इसके लिए आप नेट पहले ऑन कर लीजिए और फिर हम सर्च करेंगे जिस नाम का यहाँ पर प्लस साइन है, इस पर हम क्लिक करके आते हैं फ़ैन पर। फ़ैन में हमें आना है जिस कंपनी का हमारा ये फ़ैन है, तो एटमबर्ग का देखिए यहाँ दिया हुआ है, इस पर क्लिक किए। अब यहाँ एक बार कह रहा है पावर ऑन ऑफ का बटन क्या वर्क किया कि नहीं, तो ये हमने क्लिक किया और हमारा फ़ैन ऑन हो गया। तो यस हम कर देते हैं और आपको हम दिखा देते हैं पेयर्ड। और ये देखिए हमारा फ़ैन जो है, हम आपको इसमें दिखा भी देते हैं कैमरे में, ये देखिए हमारा फ़ैन रन कर गया। और इसी रिमोट से यदि हम फ़ैन को फिर से ऑफ करते हैं, तो ये देखिए हमारा फ़ैन जो है ये बंद भी हो गया। तो इतना बेहतरीन फ़ैन है कि इसको आप अपने रेडमी के फ़ोन से रिमोट कंट्रोल जो उसमें दिया हुआ है MI का रिमोट, उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ये फ़ैन है,
और जो कि आपके मोबाइल से भी कंट्रोल हो रहा है, साथ ही साथ इसमें कंपनी ने रिमोट दिया हुआ है। तो बहुत ही कम वाटेज का इन्वर्टर पे कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छा ये आपका फ़ैन है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद, जय भारत।